सो सिमर जी चली अपने मंदिर और आज आए हैं पापा भी रिद्धा को छोड़ने। तो रिद्धा गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। और पापा जा रहे हैं आज 7 दिन के ट्रिप के लिए। पापा किधर किधर? मथुरा एंड गोवा। मथुरा एंड गोवा, क्या बात है पापा, वेरी गुड। मथुरा भी गया हूँ, गोवा भी गया हूँ। हाँ। मथुरा मुझे बड़ा अच्छा लगा। अच्छा, मैं चाहता हूँ पूरी फैमिली लेके जाऊँ। हाँ। पर फैमिली सब बिजी है अपने अपने। हाँ। हमें दोस्तों के साथ चला रहे। चलो बढ़िया है, बढ़िया है, जाना जरूरी है। दोस्त हो, फैमिली हो, कोई भी हो, अपना मन नहीं मारना चाहिए आदमी को। फैमिली का नहीं बन रहा तो दोस्त के साथ बना लो, दोस्तों का नहीं बन रहा तो अकेले चले जाओ। मेरा मन है कि मैं गोवा ही हूं। हां, गोवा तो अभी आप होके आए हो 2 मंथ्स बैक, नवंबर में बुआ के साथ गए थे आप गोवा के साथ। मेरा मन है। चलो लास्ट वर्ड लिखो जल्दी से। शीत ऋतु। शीत, शीत, वर्षा नहीं, आपने वर्षा को शीत लिख दिया मेरे ख्याल से, है ना? हाँ, तो वर्षा ऋतु लिखो। मैंने वर्षा ऋतु बोला था, वो आपको बनाया ही नहीं था, मुझे लगा आप ट्राई कर रहे हो। चलो अब वर्षा ऋतु लिखो, अगर वर्षा नहीं लिखा, अगर शीत लिखा है और वर्षा लिखा है, मतलब दो भी है, वर्षा भी लिखना है, शीत भी लिखना है, ठीक है? तो बस हम जा रहे हैं इसको छोड़ने और पापा निकलेंगे शाम को 4:30 बजे के आसपास और मैं जाऊंगा अभी ऑफिस। तो बस यही चल रहा है। 26 जनवरी की छुट्टी आ रही है फिर से, हफ्ते में 2-2 छुट्टियाँ मिलेंगी, एक राम मंदिर की मिल गई जी, एक रिपब्लिक डे की मिल जाएगी, इससे अच्छा और क्या चाहिए, है ना? चलो चलते हैं, इसको छोड़ के आते हैं, फिर मिलते हैं आपको। ये हमने ली है अभी रिद्धा की गुल्लक, क्योंकि पिछली बार जब हमारे घर पे दोस्त यार आए हुए थे तब रिद्धा से गिर गई थी वो गुल्लक, टूट गई थी। कितने पैसे निकले थे? ज्यादा निकले, 6,500 निकले। अभी अभी लगाई थी ना, वो टाइम नहीं हुआ था उससे ज्यादा। तो ये पर्स वाली ले ली, बड़ी प्यारी लगी हमें। चलो रिची, बाय बाय। बाय कर दो दादू को। बाय करो, मिल लो दादू को। हफ्ते बाद मिलूंगा, एक हफ्ते बाद। ओके, सी यू आफ्टर 7 डेज। दादू को बोलो हैव अ गुड ट्रिप। दादू को बोलो यू टू। आप कौन से ट्रिप पे जा रहे हो? यू टू नहीं बेटे, हैव अ गुड ट्रिप बोलो। यू टू कर रही है, यूट्यूब कर करके यू टू ही आ रहा है। ये गुल्लक ली अभी हमने, बड़ी प्यारी सी। ओके बेटा। Okay sir, have a lovely trip. God bless you. And take care of yourself. Be safe. Okay. चलो जी। Bye. Bye bye. Have a good day. You too. Take care. हाँ। Bye. वो maps पे देखना हम। हाँ। इसका टूटा? ये टूटा। White जंग white नजर आ रहा है। अच्छा। Bye bye. Bye. खेलो बंदूकों। तो आज धूप तो नहीं निकली है, बट हम लोग धो रहे हैं नीचे कपड़े, सही साहब चले गए हैं जैसा कि देखा आपने, बट हमारे कपड़े बहुत ज़्यादा उधर थे और ऊपर वाले बाथरूम में गीजर है नहीं, तो हमने नीचे ही लगाए हैं कपड़े। मशीन चलाई हुई है और लगे हुए हैं धोने में ढेर सारे कपड़े। ये आपकी चद्दर पकड़ना आपके हाथ। आज हम लोगों के इतने कपड़े थे और अब जाके पूरे फिनिश हुए और आज धूप नहीं है, बट अभी मैं देख रही हूँ कि सूरज देवता दिख रहे हैं आपको, पीछे दिख रहे हैं पता नहीं, नहीं दिख रहे हैं, हल्के से ऐसे बाहर निकले थे तो मैं मम्मी को बोल रही थी कि निकल रही है, पर लेट्स सी आज निकलेगी कि नहीं निकलेगी धूप। निकल जाए तो कपड़े सूख जाएंगे, नहीं निकली तो दिक्कत हो जाएगी कि इनको अंदर बाहर करते रहो फिर, तो वो प्रॉब्लम होगी। बाकी लेट्स सी। वक्त तो हो गया है दोस्तों 12:30 का और हमारी 12:30 वाली चाय अब हम पियेंगे बैठ के। अरे रिद्धा सेठ इज बैक फ्रॉम द स्कूल एवरीवन। रिमूव दिस सॉक्स आल्सो एंड पुट इट इन द शूज। मैं मौसम ठंडा होने लग गया, इससे पहले सूखे सुखाए कपड़े गीले हों दोबारा, भगवान जी ने सुखाई दिए थोड़े बहुत जो सुखाए, मतलब हैं तो गीले ही, ऐसे वाले तो नहीं सूखे कि उठार के तय लगा लो, बट चलो फिर भी कोई गल नहीं, बाबे ने मेहर रखी। कपड़े शपड़े उतार के आ गए हैं, अभी रिद्धा मैडम को खाना खिलाते हैं। आज घर पे बनाया हुआ है चिकन और आलू गोभी की सब्जी, तो मैं खाऊंगी सब्जी, रिद्धा खाएगी नॉनवेज। गाइस आपको लगता है कि मैं स्केटिंग कर रही हूं या रनिंग करती हूं? बताइए। हमें तो लग रहा है आप रनिंग कर रही हो, क्योंकि मेरे पैरों में स्केट्स हैं। ओके ओके। और आपको पजामी कहाँ जा रही? पजामी तो ऊपर कर लो अपनी। मैं स्टैंड दिखाती हूँ
वाला दिख जाएगा उधर मुड़ोगी तो पैर को। कोई बात नहीं, जब इधर आओगी तब दिखा देना। आराम से, बस आराम से। मैडम स्केट पहन के बैठ गया, स्केटिंग क्लास थी स्कूल में तो देख लो। स्केटिंग क्लास थी आज? हाँ नहीं थी क्या? कल थी, सॉरी कल थी, पर तुम स्केटिंग बैग लाई नहीं कल। हाँ तो चलो कर लो। हमारे लग रहे हैं कपड़ों की तैश है, जो सूखे नहीं थे कपड़े वो मैंने डाल दिए पंखा चला के सूखने के लिए। हाँ पापा भी चले गए हमारे, तो पापा जैसे कि आपको पता था उन्होंने बॉम्बे जाना है, फिर वहाँ से मैथरान जाना है। तो बस अभी शाम की चाय का समय भी हो गया है और मैं और मम्मा और रिदा ही हैं घर पे। राहुल सेठी भी आज लेट आएंगे आई थिंक, बिकॉज ही गो टू मीट वन ऑफ हिज फ्रेंड नेक्स्ट कलीग, सो उनसे मिलने जाना है। सो आज हम तीन लेडीज आर इन द हाउस। बाकी जब तक आप लोग आई थिंक ये व्लॉग देखोगे तब तक हमारे पापा भी वापस आ चुके होंगे, बिकॉज मैं इतना डिले चल रही हूँ व्लॉग्स वगैरह में, बट कोई बात नहीं। एंड आई थिंक कल माला विल ऑल्सो कम बैक, उसकी जो छुट्टियाँ चल रही थी गांव वगैरह गई हुई थी वो अपने, तो 10-15 दिन की छुट्टी थी शायद। हाँ तो वो भी आ जाएगी वापस, फिर मिलाते हैं आपको। जैसे जैसे करके लोग बाग वापस आते जाएंगे वैसे वैसे आप उन सबको देखते रहोगे व्लॉग्स में। बाकी आप लोग बताओ यार, आप सबका कैसा चल रहा है, सर्दियाँ कैसी चल रही हैं, पढ़ रही हैं अभी भी कि नहीं? आई एम तो जस्ट वेटिंग फॉर दिस विंटर टू गेट ओवर, बिकॉज मुझे जहाँ तक आप लोगों को पता है जो हमें देखते आ रहे हैं बहुत पहले से, बहुत समय से उन सबको पता ही होगा, आई डोंट लाइक विंटर्स, बहुत रिस्ट्रिक्टेड से हो जाते हैं यार मुझे ऐसा लगता है। एक तो मुझे थोड़ा सा ना ब्रीदिंग इशू रहने लग गया है, जो मुझे ये हैवीनेस वगैरह हो रही थी, मुझे सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी थोड़ी, तो मैंने आई गॉट इट चेक्ड और उस टाइम पे मैंने मेडिसिन वगैरह भी खाई थी जब व्हेन आई फेल सिक, बट अभी आई रिसेंटली गॉट इट चेक्ड अगेन। एक तो मुझे वो सर्जरी बोली हुई है बिकॉज ऑफ द साइनस दैट आई हैव, और वो काफ़ी टाइम से बोली हुई है, बट आई एम जस्ट अवॉइडिंग इट, आई डोंट नो आई डोंट वॉन्ट टू गेट इट डन। मुझे एक दो सर्जरीज हैं जो मुझे करानी है, दो होनी है, बट मैं पता नहीं क्यों वो अवॉइड करती जा रही हूँ। नाक वाली तो मेरा नहीं है मन कराने का, बट अनदर वन इज आई थिंक इम्पॉर्टेंट दैट आई शुड गेट डन, बट वो भी नहीं करा पा रही हूँ। करा क्या नहीं पा रही हूँ, मतलब वो हिम्मत ही नहीं पड़ रही है। प्रॉब्ली अब जब ये थोड़ा मौसम खुलेगा तो उनमें से एक सर्जरी में करा लूँगी, बाकी देखते हैं बाकी कैसे रहता है और क्या होता है। रिदा डाल रही है दादी की आंखों में दवाई, और जब भी ये मैं रिदा को मम्मी की आंखों में दवाई डालते देखती मुझे वो रील याद आ जाती है जिसमें वो ज्यादा दवाई डाल जाती है और वो बंदा आंखें खोलता है, मतलब एडिटेड है और उसको मून दिखाई देता है। एक इसमें डालता है, मम्मी इसमें फुल ट्रस्ट करती है, मेरे को तो मेरे से नहीं डलाई जाती इससे ऐसा कुछ नहीं, ये तो डाल देती है ना मम्मा। मम्मा उसने क्या किया था? किसने? इसमें क्या हुआ था, आप उसको दिखाओगे मुझको? नहीं मेरे पास है नहीं वो, ना ऐसे दवाई का ढक्कन खोलता है दवाई डालने के लिए, तो दवाई का ढक्कन ना और ये तो पूरा खुल जाता है और ना पूरी दवाई आंख में चले जाती है। इसमें तो जैसे होल है ना उसका ढक्कन खुल जाता है, वो एडिटेड रील है, फिर ऐसे दिखाते कि उसको मून दिखने लग गया सीधा। चल चपला वाला, हाँ चलो दादी को गुड नाइट करो। बाय बाय दादी, गुड नाइट। ये मम्मी ऐसे क्यों बोल रही है, तू ही जम्या तू ही जम्या। मेकअप किट मैंने ऐसे अपने किट में डाली हुई थी छुपा के कि अब छोड़ देगी ये लो। हाँ मैंने छुपा दी थी कि अब चल चलो, फिर भी मैं ऊपर लेके आ रही थी कि जब मांगेगी तो दे दूंगी। ओके ओके दादी, ओके बाय बाय गुड नाइट।
मैं ताले लगा रही हूँ। हाँ हाँ। I want to do this.